नमस्कार दोस्तों, और आप आज मैं आपके लिए लेकर आया हूँ डीडी फ्री डिश सेट करना। और आप मेरे पास में देख रहे होंगे कि डीडी फ्री डिश सेट करने के लिए मुझे क्या क्या फाइंडर की आवश्यकता रहती है। डिजिटल मैंने ब्लूटूथ वाला फाइंडर यूज किया है। और चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक शेयर ज़रूर करें। तो आप देखिए यहाँ पर डीडी फ्री डिश सेट कर रहे हैं, तो डीडी फ्री डिश सेट हो गया है। देख लीजिए आप यहाँ पर देखिए डीडी फ्री डिश, और डीडी फ्री डिश से फिर मैं 88 ईस्ट पर ले जाता हूँ। देखिए 88 ईस्ट पर भी थोड़ा टाइम लग रहा है, LNB थोड़ा मूवमेंट करना पड़ेगी LNB के लिए, और LNB मूव नीचे की तरफ करना पड़ेगी उसका स्क्रू 6 बजे की तरफ, और फिर हम 88 ईस्ट को सेट कर लेंगे। और याद रखें, इससे सेटेलाइट को सेट करना, डीडी फ्री डिश को अगर सेट करना है आपको, तो आपको अपनी छतरी की दिशा जो रहती है वो 11 बजे के आसपास जो सूरज रहता है आपको उस तरफ करना रहेगी, ऊपर की तरफ। तो याद रखें, और LNB स्क्रू रहेगा आपका 7 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास LNB स्क्रू रखें आप, तभी आप सेट कर सकते हैं डीडी फ्री डिश। और अगर आप उसको सेट करना चाहते हैं 88 ईस्ट को, तो LNB स्क्रू नीचे की साइड रखें। तो अब हम सेट करते हैं, मैं आपको ओकाप DTH की तरफ मूव करके बता देता हूँ एंटीना किस तरफ होगा ओकाप DTH के लिए। तो मैं अब ये एंटीना की तरफ चलता हूँ, और मैं अंदाज से बता देता हूँ कि करना कैसे रहेगा। ओकाप DTH की तरफ अगर हम जाएंगे, तो एंटीना को कुछ अभी जैसे 88 ईस्ट पर ये सेट है, और यहाँ पर आपका नीचे की साइड थोड़ा DD फ्री डिश मिलता है, और इधर करेंगे थोड़ा ऊपर करेंगे तो 88 ईस्ट मिलेगा। और अगर हम इधर करेंगे ऐसे करके इधर इतना, तो इतने पे हमें ओकाप DTH मिल जाएगा 2 फिट पर। लेकिन सिग्नल आपके यहाँ एरिया में फुटप्रिंट होना चाहिए, तभी आपको ओकाप DTH मिलेगा इस तरफ। तो याद रखें 55 ईस्ट सेट कर लें, फिर उसके बाद ही आप एक्सपेरिस सेटेलाइट को सेट करें, जो कि iFilm 2 चलता है जिस पर। और यहाँ पर मैंने अभी आपको बता ही दिया कि यहाँ पर फ्री डिश, और अगर हम लाउ सेट सेट करते हैं तो कुछ इस तरह से एंटीना करना पड़ता है हमें, इस तरह से लाउ सेट रहता है इधर। तो अगला वीडियो बनाऊंगा जिस पे आपको लाउ सेट भी सेट करके बताऊंगा, और इसी तरह से आप कोई सा सेटेलाइट कर सकते हैं आइजली तरीके से। तो बने रहिए मेरे साथ, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक शेयर ज़रूर करें। अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में।